कानपुर देहात में एक होटल चेन के खिलाफ ग्रामीण महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं का ये आरोप है कि इन होटल में देह व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। इस मामले को लेकर महिलाओं ने जिला अधिकारी से शिकायत की। देह व्यापार के जरिए होटल मालिक मोटी रकम कमा रहे हैं, लेकिन इसका युवाओं पर गलत असर पड़ रहा है। महिलाओं ने अपनी शिकायत में ये भी बताया है कि अब मोहल्ले में जगह जगह इस तरह के होटल खुल रहे हैं, जिन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। होटल से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें युवती आम छुपाकर भागती हुई नजर आई है। आ जल्दी, वीडियो इधर बनाओ। तुमसे कहीं रिक्शा ओयो का है, वहाँ बगल में हमारे ओयो खुला है क्या? आपके घर के बगल में? हाँ। कितना फर्क है वहाँ से? एक प्लाट मतलब खाली पड़े हैं ना, वो अभी बने नहीं है। क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? अब हम लोग वहीं बाहर बैठते हैं, वहीं से आती हैं स्कूल की लड़कियां लड़के जाते हैं। हाँ, जाते हैं। और होटल में क्या क्या सुविधाएं हैं? खाने पीने कुछ नहीं है? खाने पीने के लिए कुछ नहीं, बस सिर्फ लड़कियाँ लड़के आती हैं। तो विरोध हुआ वहाँ पे? हाँ। आप लोगों विरोध? हम लोगों ने पहले मना किया तो कह रहे कि हम करेंगे, परमिशन है। हाँ, हम लोग उसको बंद करवाना चाहते हैं। ओयो को लिए शिकायत करने आए। क्या है ओयो? लड़कियों का और लड़कों का मतलब चलता है धंधा। अच्छा, तो क्या बस्ती में चला रहे हैं? हाँ, मेरे घर के जस्ट बगल ही में है। अच्छा, तो आप लोगों ने मना नहीं किया कि ये बहुत सर बहुत मना किया है, मगर मानते नहीं है। लड़ाई के लिए उतारू हो जाते, कहीं ईंटा पत्थर चलाते, कभी गाली गलौज चलाते। लगभग कितने लड़कियां डेली आ जाते हैं? दिन भर में कम से कम 100 से ज्यादा ही। हाँ, 100 से ज्यादा ही आते हैं। अच्छा, 100 से ज्यादा ही आते हैं। क्या फर्क पड़ता है वहाँ बच्चों पे? बहुत ही बुरा फर्क पड़ रहा है। न पढ़ सकते हैं, न कुछ, न बाहर बैठ सकते हैं। बच्चे हैं, कब तक एक कमरा में घुसे रहेंगे? हम लोग सोचते हैं बस ये बंद हो जाए, बस ये बंद हो जाए, तो कार्रवाई हो जाए। हाँ, कार्रवाई करिए आप लोग, बस बंद कर दीजिए बस। मामला ये ओयो खिले हैं सर, उसमें कोई ना खाना पीना है, ना कोई व्यवस्था है। लड़कियाँ स्कूली भी आती हैं और लड़कियाँ इधर उधर से आती हैं। बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके ऊपर मतलब पूरा प्रभाव पड़ रहा है गलत। ये हम चाहते नहीं हैं कि होटल बना है कि इसे घर में चला रहा है। घर में चला रहा है मतलब पहले मकान बनाया, रहने आए, फिर इसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने अपना ओयो खोल लिया। फिर हम लोगों ने उनको टॉर्चर किया तो बोला कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा तुम कुछ कर पाओ तो तुम जाओ, जो कुछ करना है आप कर लीजिए। वहाँ से कुछ लोग शिकायत करने आए थे, महिलाएं आई थी कुछ शिकायत करने। उन्होंने बताया कि साहब ओयो होटल में जो है तमाम लोग आते हैं, अश्लील हरकतें वगैरह करते हैं। तो उसकी जांच जो है वो CO डेरापुर को दी गई है, DM साहब ने निर्देश किया है, उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी।